केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बुधवार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दिन सुबह गृह संपर्क अभियान के तहत बोरो रांगद्रस इलाके में पहुंचे थे। वहां से वो आपको एक बार फिर बता देते हैं कि केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बुधवार कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दिन वो सुबह गृह संपर्क अभियान के तहत बोरो रांगद्रस इलाके में पहुंचे, जहां से वो चाय पर चर्चा के लिए खागड़ाबाड़ी इलाके में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करने के साथ ही दावा किया कि उत्तर बंगाल में पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने होम रेस्ट पर भी होम स्टे पर भी ज्यादा महत्व दिया। वहीं उन्होंने कहा कि बंद पड़े कुछ आपको एक बार फिर बता दें कि वहीं उन्होंने कहा कि बंद पड़े कुछ बिहार एयरपोर्ट को नए सिरे से संचालन करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है और जिसका रूपरेखा जल्द ही वो सभी के सामने लाएंगे। इस संवाददाता बैठक के बाद मंत्री ऐतिहासिक धरोहर राजबाड़ी को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने राजबाड़ी को पर्यटन के मानचित्र पर और ऊपर ले जाने की बात कही, जिसके बाद से वहां से मंत्री दिनहाटा के गोशानी मारी स्थित राजपाट देखने के लिए गए थे, जिसके साथ सांसद निशित प्रमाणिक भी इस दिन उपस्थित थे। मैं लगातार अपने प्रवास पर हूँ। पहली बार मैंने जलपाईगुड़ी के माल रोड पर चाय पर चर्चा के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद मैं अलीपुर द्वार में एक मतदान केंद्र पर मुझे चाय की चर्चा का मौका मिला और अभी मैं कूच बिहार जिले की चाय की चर्चा में शामिल होकर लौटा हूँ। जनसंपर्क का भी अवसर मिला है। उत्तर बंगाल के साथ लगातार दशकों से अन्याय होता रहा है, उसे जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये आरोप मेरा कांग्रेस पर है, कम्युनिस्ट पार्टी पर है और तृणमूल कांग्रेस पर। इस राज्य में लगातार आजादी के बाद तीन पार्टियों ने राज किया, विकास से दूर रखा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक अवसर आया था कि इसका उद्धार हो सकता था, लेकिन वह भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं होने दिया। सांसद निधि जैसी महत्वपूर्ण योजना जो सीधे सांसद आम आदमी तक पहुंचा सकता था, उसको भी सरकार ने रोकने का पाप किया है। उससे मेरा आरोप है, हम लोग तो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ते रहे और ये क्या आरोप लगाते थे कि ये विकास विरोधी पार्टी है, लेकिन तृणमूल पर मेरा आरोप है कि वो विकास विरोधी तो है ही, साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। ये आरोप तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार पर है और इसलिए मैं ये मानता हूं कि उत्तर बंगाल की जनता ने लोकसभा में अपना जनादेश सुना दिया है, वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। इतने पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थानों होने के बावजूद भी, पर्यटन के अनुकूल दार्जिलिंग जैसी हिल स्टेशन होने के बावजूद भी, जो कनेक्टिविटी के कारण पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा, क्या लोग आपारे में असमर्थ महसूस करते हैं? इन बातों के लिए अगर कोई दोषी है तो वो ममता सरकार दोषी है। उदाहरण के लिए यहाँ की जो हवाई पट्टी है वो तो भारत सरकार की बनाई हुई है। एक बार कोशिश की हमारे माननीय सांसद ने, लेकिन उसे भी जब पूरा नहीं होने दिया गया, तब लगता है कि विकास के रोकने की नीयत से अगर कोई राज्य सरकार काम करती है, कोई पार्टी काम करती है, तो उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। मुझे लगता है कि अभी ये प्रवास जारी रहेगा। पार्टी ने मुझे उत्तर बंगाल में पहुंचाकर, तो मैं मानता हूं, मैं पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपको एक बार फिर बता दें कि केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बुधवार कई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
इस दिन सुबह गृह संपर्क अभियान के तहत बोरो रंगरस इलाके में पहुंचे थे। वहां से वो चाय पर चर्चा के लिए घाघराबाड़ी इलाके में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करने के साथ ही दावा किया कि उत्तर बंगाल में पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने होम स्टे पर भी ज्यादा महत्व दिया। वहीं उन्होंने कहा कि बंद पड़े कुछ बिहार एयरपोर्ट को नए सिरे से संचालन करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और जिसका रूपरेखा जल्द ही वो सभी के सामने रखेंगे। वहीं इस संवाददाता बैठक के बाद मंत्री ऐतिहासिक धरोहर राजबाड़ी को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने राजबाड़ी को पर्यटन के मानचित्र पर और ऊपर ले जाने की बात कही, जिसके बाद ही वहां से मंत्री दिनहाटा के गोशानीमारी स्थित राजपाट देखने के लिए गए थे। उनके साथ सांसद निशित प्रमाणिक भी इस दिन उपस्थित थे। हवाई सेवा बहुत जरूरी है। कुछ बिहार के एयरपोर्ट के बारे में आपने भी कहा कि ये बंद पड़ा हुआ है, इसका लाइसेंस भी रद्द होने वाला है। केंद्र सरकार ने संभवतः लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करने का फैसला लिया है। अगर ये बंद हो जाता है तो इसका प्रभाव तो पर्यटन पर स्वाभाविक तौर पर पड़ेगा। क्या करते हैं? मुझे लगता है कि जो सुरक्षा देने का काम राज्य सरकार ने को करना था, उन्होंने जो असहयोग किया है वह कारण है। हम किसी दूसरे मॉडल के बारे में सोचेंगे, जब हम विस्तारित रूप से उस पर योजना पर अमल करने लगेंगे तो हम आपके बीच में आएंगे और जल्दी आएंगे। राजबाड़ी का जो गार्डन है उसको बड़ी बुरी हालत है। वो एक साल से गार्डन सफाई नहीं हुआ, उसका जो एम्प्लॉय था उसको एक साल से रिन्यू किया काम को। आज हम दोपहर में जाने वाले हैं और हम बहुत जल्दी फरवरी तक राजबाड़ी को अपने गौरव पर देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब वो कल्चर कार्यक्रम होंगे तब हम आपको आमंत्रित करेंगे। तो मुझे लगता है कि राजबाड़ी हम सब के लिए मंदिर का स्थान रखता है, इसमें कोई भ्रम किसी के दिमाग में नहीं है। जिनने इस बात की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है, लोगों ने उनके खिलाफ अपना जनादेश भी दिया है। मैं मानता हूँ कि राजबाड़ी सिर्फ एक भवन नहीं है, भावनाओं का भवन है, वो मंदिर है हमारा। टूरिज्म को लेकर आपका क्या क्या ख्याल है? आप तो माल बाजार अलीपुर द्वार होकर कुछ भी आया है, तो टूरिज्म को लेकर क्या फ्यूचर पे कुछ हो सकता है क्या इधर से? नहीं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और वो होगा, और इसलिए NHI ने काम करना शुरू किया है। एविएशन की दृष्टि से भी जो बात मैंने आपसे कही है कि जैसे वो हम किसी निर्णय पे पहुंचेंगे, या तो सांसद महोदय या मैं स्वयं आकर उस योजना को आपके सामने रखूंगा। वहीं पर्यटन को लेकर केंद्र मंत्री ने जो आरोप लगाया है उसी का जवाब देते हुए मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अनेक दिन बादे तिनी पर्यटक हिसाबे कुचबिहारे एसेछेन, राजा शहर कुचबिहार के देखते एसेछेन, स्वागत जानाच्छि तार जन्य। किन्तु तिनी जे कथाटा बोलेछेन एटा मिथ्या अभियोग, साजानो अभियोग करेछेन যে উত্তরবঙ্গে পর্যটন শিল্পে উন্নয়ন হয়নি। উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে গত 10 বছরে কত পর্যটক এসেছে দেশি বিদেশি সেটার একবার হিসাবটা নিয়ে নিন। তার আগে কি দুরবস্থা ছিল উত্তরবঙ্গের পর্যটনে সেটাও একবার জানার চেষ্টা করুন, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনে কোন উন্নয়ন হয়েছে, হয়নি, কোথাও হয়নি। তো সেই ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত সুন্দর জায়গা রয়েছে, পাহাড়ি জায়গা রয়েছে, নদী রয়েছে, এখানে ঝর্ণা রয়েছে, সুন্দর সুন্দর স্পট রয়েছে, সেখানে নতুন নতুন পর্যটনের পর্যটকদের জন্য কটেজ তৈরি হয়েছে, হোমস্টে কটেজ অনেক বেড়েছে। অর্থাৎ বেড়েছে মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বনের মানুষ, যারা ফরেস্ট এরিয়ার মানুষ, ফরেস্ট ভিলেজার্স, তাদের রুটি রুজি আয়ের পথ সুগম করতে হোমস্টে তিনি চালুও করে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে দেশে সারা ভারতবর্ষের পর্যটকদের ডেস্টিনেশন এখন নর্থ বেঙ্গল, উত্তরবঙ্গ এবং দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং। এই যে ছুটির মরশুম করোনা থাকার কারণে একটানা 9 মাস পর্যটন শিল্পে সারা বিশ্বের সাথে এটাও আঘাত পেয়েছে, মানে ঘাটতি হয়েছে, পর্যটক শিল্প মার খেয়েছে।
কিন্তু আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সাথে সাথে আবার কিন্তু পর্যটকরা উত্তরবঙ্গে আসা শুরু করেছে। অর্থাৎ রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক এই উত্তরবঙ্গে আসে পাহাড়ে এবং ডুয়ার্স মিলিয়ে। সর্বভারতীয় শাড়ি লেহেঙ্গা চুড়িদারের বিপুল সম্ভার নিয়ে আপনাদের সেবায় আমরা প্রস্তুত। কোভিড-19 যুদ্ধে সরকারি রীতি মেনে থ্রিজি নেক্সট জেনারেশন সম্পূর্ণভাবে তৈরি। RRN রোড কানাড়া ব্যাংকের পাশে এবং মান্নাবার শোরুমের দোতলায় কোচবিহার।